दोस्तों यूं तो बॉलीवुड इंडस्ट्री के मल्टी टैलेंटेड एक्टर मिथुन चक्रवर्ती ने अपने एक्टिंग करियर में कई सुपर डुपर हिट फिल्मों में काम किया है और बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपनी एक अलग पहचान बनाई है, जिसके लिए इन्हें आज खूब सराहा जाता है। लेकिन अब वक्त है बड़े पर्दे पर इनकी नेक्स्ट जनरेशन यानी कि उनके बेटे को अभिनय करते हुए देखने का। जी हाँ, अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती के छोटे बेटे नमाशी चक्रवर्ती जल्द ही फिल्म बैड बॉय से बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपनी धमाकेदार एंट्री मारने वाले हैं, जिसमें इनका लुक बेहद यूनिक होने वाला है। तो इसीलिए आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको फिल्म बैड बॉय के बारे में बताने वाले हैं कि कौन सी होगी इसमें स्टार कास्ट, क्या होगी कहानी और ये फिल्म कब तक आएगी। तो अगर आप भी फिल्म बैड बॉय से जुड़ी इन सभी बातों को जानना चाहते हैं तो हमारे साथ इस वीडियो के आखिर तक बने रहिए। साथ ही फिल्म इंडस्ट्री के इस डिस्को डांसर के नाम से फेमस अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती और उनके बेटे नमाशी चक्रवर्ती के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। बॉलीवुड इंडस्ट्री से डिस्को डांसर का टाइटल हासिल करने वाले अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती ने अपने शुरुआती दौर से ही बॉलीवुड इंडस्ट्री पर राज किया है और चांडाल, मर्द और वतन के रखवाले जैसी कई सुपर डुपर हिट फिल्मों से लाखों करोड़ों लोगों को अपना दीवाना बनाया है और इसी के चलते ये आज भी बॉलीवुड इंडस्ट्री के एक खास सदस्य बने हुए हैं। लेकिन दोस्तों, हमने अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती की तो कई फिल्में देखी हैं, लेकिन अब वक्त आ गया है इनकी नेक्स्ट जनरेशन यानी कि इनके छोटे बेटे नमाशी चक्रवर्ती की फिल्में देखने का, जो जल्द ही अपनी अपकमिंग फिल्म बैड बॉय के साथ बड़े पर्दे पर धमाकेदार एंट्री मारने वाले हैं। हालांकि इनकी डेब्यू फिल्म साल 2019 में आई मूवी आर्टिकल 15 थी, जिसमें इन्होंने अभिनेता आयुष्मान खुराना के साथ काम करते हुए सहायक अभिनेता के तौर पर जबरदस्त भूमिका निभाई थी और इस फिल्म में इनके अभिनय प्रदर्शन को खूब सराहा गया था और शायद यही रीजन है कि ये जल्द ही अपकमिंग फिल्म बैड बॉय के साथ बड़े पर्दे पर नजर आने वाले हैं। बता दें कि ये फिल्म राजकुमार संतोषी के डायरेक्शन में बनने वाली एक रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म होने वाली है, जिसे साजिद कुरैशी प्रोड्यूस करेंगे, जिसकी कहानी पर काम शुरू हो चुका है और ये फिल्म काफी सक्सेसफुल होने वाली है, जिसमें कई तरह की एक्स्ट्रा एडिटिंग की जाने वाली है। साथ ही इस फिल्म में हमें एक्शन, रोमांस और कॉमेडी के साथ साथ इमोशन का भी डबल डोज देखने को मिलने वाला है, जो फिल्म को और भी ज्यादा रोमांचक बनाते हुए नजर आएंगे। वहीं अगर बात करें फिल्म के स्टार कास्ट की तो बताया जा रहा है कि फिल्म में लीड एक्टर के तौर पर अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती के बेटे नमाशी चक्रवर्ती को कास्ट किया गया है, जो फिल्म में लीड एक्टर के तौर पर आशिक की भूमिका निभाएंगे। वहीं फिल्म में इनके अपोजिट कोई और नहीं, फिल्म को प्रोड्यूस करने वाले शाहिद कुरैशी की बेटी अमरीन कुरैशी नजर आने वाली है, जो फिल्म में नमाशी चक्रवर्ती की प्रेमिका की भूमिका निभाएंगी। वहीं फिल्म में अभिनेता जॉनी लीवर, राजेश वर्मा और राजपाल यादव की भी एंट्री होने वाली है, जो फिल्म में अपने ठहाके भरे अंदाज में नजर आएंगे। आपको बता दें कि फिल्म की ऑफिशियल अनाउंसमेंट की जा चुकी है, जिसे अभिनेता सलमान खान का फुल सपोर्ट मिल रहा है और अब जब फिल्म बैड बॉय को सलमान खान का फुल सपोर्ट मिल रहा है तो जाहिर सी बात है कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कमाल का कलेक्शन करते हुए नजर आएगी। वेल, देखना ये है कि ये फिल्म बड़े पर्दे पर कब तक रिलीज हो पाएगी। तो दोस्तों, आप कितने एक्साइटेड हैं फिल्म बैड बॉय को देखने के लिए? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी ही धमाकेदार खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।